बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व y cos x बन y dx माइनस ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट में है, फ्लॉवर ब्रैकेट में y प्लस x cos x बन y dy इज इक्वल टू ज़ीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें देख रहे हैं कि जो एंगल में x बन y है cos के, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो फार्म बनानी है वो यानी होमोजीनियस इक्वेशन की, वो y अपन x की फार्म में नहीं बल्कि x अपन y की फार्म में बनाएंगे। इसलिए हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर y से, लेकिन उसके लिए पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते हैं कि इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें। तो पहले आप इसको लिखेंगे इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगले स्टेप में इस टर्म को इधर ही रहने देंगे, y cos of x upon y dx, और इस टर्म को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। y प्लस x cos of x upon y dy। अब जैसे कि हमने अभी बताया कि हम इसको x अपन y की फार्म बनाएंगे, क्योंकि हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम x से डिवाइड ना करते हुए y से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन। यहाँ से ये y हट जाएगा, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये x अपन y का फंक्शन है, यानी पूरा इक्वेशन ही x अपन y का है। y से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा यानी जो इक्वेशन है उसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको मतलब राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो इसमें दो टर्म है, तो दोनों के अपान में वाई आ जाएगी, यानी वाई अपान वाई हो जाएगा, और प्लस ये एक्स और कॉस एक्स अपान वाई के मल्टीप्लिकेशन को भी वाई से डिवाइड कर देंगे, और डी वाई राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये वाई से वाई कैंसिल होकर वन टाइम्स आ जाएगा, यानी हमें वैल्यू जो मिल जाएगी कॉस ऑफ एक्स अपान वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर वन बचा है, वन प्लस ये एक्स अपान वाई का फंक्शन बन चुका है पूरा पूरा जो इक्वेशन है एक्स अपान वाई का, तो इसलिए हमें वैल्यू निकाल लेना चाहिए, फाइंड कर लेना चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई की। इसलिए हम इस डी एक्स में मल्टीप्लाई जो हो रहा है कॉस, इसको हम राइट में ले जाएंगे और ये डी वाई को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो लेफ्ट में हो जाएगा डी एक्स पहले से मौजूद है और डी वाई से यहाँ डिवाइड लग गया, और राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद इस टर्म को लिख देंगे जो कर्ली ब्रैकेट में है, मीन्स फ्लावर ब्रैकेट में है, वन प्लस एक्स अपान वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स अपान वाई, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कॉस ऑफ एक्स अपान वाई से। अब पूरे इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन बन चुका है एक्स अपान वाई में, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स अपान वाई को पुट कर देते हैं वी के इक्वल, और वी के इक्वल पुट करने पर हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वाई का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था उसकी जगह पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पर हम वी वाई पुट कर देंगे, और हमें पुट करना होगा डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसके लिए इस इक्वेशन को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स का तो डिफरेंशिएशन एक्स अपान डी वाई हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो हम वाई को ऐसे ही रखा रहने देंगे और वी का डिफरेंशिएशन कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर डी वाई, और प्लस फिर आपकी वी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो कि आपको मालूम है कि वन के इक्वल आएगा, क्योंकि किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वन के इक्वल आता है। तो ये वैल्यू जो है वो जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं, पुट करना यहाँ पर लेट की यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी पुटिंग दिस वैल्यू, और इसको लास्ट में जो आया था इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दो, ये दिस वैल्यू यानी और ये वैल्यू, और साथ में से ये रिजल्ट निकलेगा दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन में हमने पुट कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जो वैल्यू है वो ये है, यानी डी एक्स ओवर डी वाई, इसके यहाँ तो ये आ जाएगा वाई इंटू डी वी ओवर डी वाई, और प्लस वी इंटू वन, तो वी के बराबर ही आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में था न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में वन प्लस था और एक्स अपन वाई,
जो एक्स अपान वाई है तो इनके यहाँ पर वी रखना है, इसकी जगह पर वी रखना है, यहाँ वी रखना है, तो वन प्लस वी कॉस वी अपान कॉस वी हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम यही लिखने वाले हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, वन प्लस वी इंटू कॉस वी और अपान में कॉस बी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया तब वेरिएबल ज़रूरी सेपरेट हो जाएंगे, तो उसको सेपरेशन के लिए सबसे पहले स्टेप ये, तो वी को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँ, तो हमारे पास लेफ्ट में वाई डी वी ओवर डी वाई बचा हुआ है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वी हो गया और इनडिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया, जिसको हमें सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट करना होगा। तो वन प्लस वी इंटू कॉस वी अपान, यहाँ पर कॉस भी है, वी को राइट हैंड साइड में बचाएंगे तो माइनस वी हो जाएगा, अपान बंद कर सकते हैं यहाँ पर, और वन और कॉस बी का एलसीएम कॉस बी होता है वो लिख लेंगे, वन का इधर इंटू करेंगे इसमें, तो वन प्लस वी कॉस वी हो जाएगा, और माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो वी इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट तो ओपन जब होगा यहाँ पर, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी वन अपान कॉस बी बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। ऊपर से नोट कर लेंगे वाई इंटू डी वी ओवर डी वाई, तो बड़े आसानी से हम देख रहे हैं कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, यानी जिस तरफ डी वी है उधर हम बी वाले टर्म को ले जाएंगे, और डी वी और डी वाई को न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है, तो डी वी को न्यूमरेटर में रखते हुए कॉस को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये कॉस बी हो जाएगा, और डी वाई को भी न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये इंटू में वाई था तो अपान में आ जाएगा वाई। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए, यानी वी एक साइड हो गया और वाई एक साइड हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये मिलेगा कॉस बी डी बी, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर वन का इंटू मान सकते हैं, तो वन अपन वाई डी वाई। तो हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन हो जाएगा, ये वी था तो वी हो गया, और राइट हैंड साइड में वन अपन वाई का इंटीग्रेशन लॉग लॉग वाई हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट आप चाहे सी ऐड कर लें चाहे के ऐड कर लें, कोई इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब वी की वैल्यू जो इसकी थी वापस कर दें, क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जो वी अपनी तरफ से माना हुआ है इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी होगी हमको, वाई वी की वैल्यू जो थी वो एक्स अपान वाई थी, वो यहाँ पर पुट कर दी है। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।